डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। एक नज़र अपने पिछले काम पर। अस्सलामु अलैकुम क्लास। नाउ चैप्टर वन अनवर्ड स्ट्रीम। क्लास वन आई विल रीड आउट द चैप्टर टू यू। फर्स्ट सी टेक आउट बुक पेज नंबर टू। अनवर्ड स्ट्रीम, अनवर का खा। ओके, फर्स्ट सी द वर्ड्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड देयर उर्दू। बाइटिंग, BITING, biting, using teeth to cut into something. Okay? Using teeth to cut into something. आप जब कि बाइट कहते हैं अपने दांतों से कोई चीज कतरना, काटना। ओके, खाने के लिए जब हम बाइट करते हैं। Now number two is counting, saying the numbers one after the other to get to a total. Counting, जमा करना, गिनना, नंबर गिनना, ये तो आपके लिए इजी है। नॉडिंग, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। नॉडिंग, लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड्स व्हेन टायर्ड एंड फॉलिंग अस्लीप। असल उर्दू इसकी है ऊंगना। जब कभी हमें हल्की हल्की नींद आ रही होती है, हम बैठे बैठे क्लास में होते हैं, कहीं बस में होते हैं, कहीं ठंडी हवा चल रही है, हम बैठे हो तो हम ऊँगने लग जाते हैं, यानी आपका हेड आगे की तरफ होता है और आप एकदम नींद में ऊँगते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हेड आपका गिरता है, उसको कहते हैं फॉलिंग टूवर्ड्स, यानी फॉरवर्ड। ओके, लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड्स, जब आप टायर्ड होते हैं या सो रहे होते हैं तो आप सर नीचे झुक जाता है। नॉडिंग मीन्स ऊँगना। चलें अब आते हैं। नाउ वी विल रीड आउट द चैप्टर पेज नंबर टू, वन बाय वन, वन लाइन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। इट इज अ हॉट डे, ही इज सिटिंग, ये एक गर्म दिन था। हु इज सिटिंग, ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। इट हैज बिग लीव्स, उसके क्या थे, बनाना ट्री के बिग लीव्स थे। ओके, बहुत बड़े बड़े पत्तों, आपको पता है ना बनाना लीव्स के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, केले वाला जो दरख्त होता है, और उसमें साया भी आ जाता है, अच्छा लगता है बैठना। ठीक है, अनवर इज इन हिज गार्डन, और वो सिटिंग है अपने किसमें, बनाना ट्री के नीचे। अनवर इज काउंटिंग आंट्स, दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, एक पुराना सा दरख्त है और उसमें वो प्लांट्स में, वो यानी जो आंट हैं वो पुराने से दरख्त में क्या कर रही, चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, तो अनवर उनको काउंट कर रहा है। ओके, अनवर ने उनकी काउंटिंग शुरू कर दी। वन टू थ्री, सी दिस, वन टू थ्री। अनवर इज नॉडिंग हिज हेड, ही इज क्लोजिंग हिज आईज। अब वो काउंटिंग करते करते अनवर को नींद आने लग गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इज अनवर थिंकिंग, अब वो सोच रहा है। नो ही इज नॉट, इज ही काउंटिंग आंट्स, क्या ये आंट काउंट कर रहा है, नो No, he is not. Is he sleeping? Yes, he is. वो तो अब सो रहा है। Soon, Anwar is dreaming. He is making a present. See this? It is for his mother. वो ख्वाब देख रहा है, अब सो रहा है तो, और ख्वाब में क्या देख रहा है कि वो अपनी मम्मा के लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर कर रहा है। अब आपने देखा वर्ड्स नॉडिंग आ गया आपका, कि इज नॉडिंग। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर थ्री। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री, उसने क्या देखा, वो डेड ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ही इज चॉपिंग इट विद एन एक्स, और वो उसको काट रहा है। अब देखिए अनवर ने क्या हरकत की, अनवर फॉल्स डाउन। अनवर जब वो काटने लगा, बेवकूफी है ना, जिस दरख्त की टहनी पर आप बैठे थे उसे ही काट रहे हैं तो यू विल फॉल डाउन, वो आप तो गिर जाओगे। आउच आउच, ओ नो, क्या हो गया, मैं गिर गया। अनवर शाउट्स, अनवर चिल्लाया। अनवर वेक्स अप, अब जब वो नीचे गिरा तो उस वो जाग गया, वो सो रहा था, आपको पता है ना, वो ख्वाब देख रहा था। ही वॉज नॉडिंग, द आंट्स आर बाइटिंग अनवर, जब वो नीचे गिरा तो जो वो दरख्त पर आपको चूटियां जाती हुई नजर आ रही थी वो उसे काटने लग गई। ओ ओ ओ, कैसी आवाजें निकली, वो भाग, कैसी आवाजें निकली, ओ ओ ये मुझे काट रही है। नाउ ही इज डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग, वो डांस भी कर रहा है, शाउट भी कर रहा है और रनिंग करता हुआ भाग गया। अंडरस्टूड, हमें ये समझ आया कि हमारे ये अनवर स्ट्रीम
कैसे अनवर ने ख्वाब देखा, कौन से बाग में था वो, बनाना ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक डेड ट्री पर आपकी आंट चल रही थी जिन्हें वो काउंट कर रहा था, ये देखिए काउंटिंग है। और फिर उसने एक ख्वाब देखा कि मम्मा के लिए प्रेजेंट बना रहा है, और जब उसने बेवकूफ़ी की उस ख्वाब में कि दरख्त काटने बैठ गया, खुद ही गिर गया। उसके बाद वो नीचे जब गिरा तो आंट उसे काटने लग गई। दिस चैप्टर इज रिटन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। ओके क्लास, अनवर फुली, अनवर ने क्या बेवकूफी की और अनवर किस तरह जाग गए। एंड आई हैव गिवन यू द एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग्स, यू कैन जस्ट फॉलो देम अप। ओके, थैंक यू क्लास।